जो लगातार आप लोग देख रहे हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम देकर आ भी चुके हैं, और जो एग्ज़ाम इस बार नहीं दे पाए थे कुछ कारणों से, या किसी कारण से उनका पेपर बहुत बेहतर नहीं हुआ है, या उनको लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो पाए और अधिक कर सकते थे हम बेहतर, तो उनके लिए एक बेहतरीन सूचना है, एक नई जानकारी है कि लेखपाल की और अभी भर्ती आने वाली है। क्या आने वाली, कब तक, कितनी, इन सब बातों पर लगभग क्या प्रोसेस रहेगा, लगभग 5,685 और पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली, लगभग 6,000 पोस्ट लेखपाल की और आएंगे जिनकी भर्ती 2023 में होगी। यूपी में राजस्व लेखपाल के 5,686 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्द ही सृजित होने वाले 3,600 नए पद सृजित किए जाएंगे, और मौजूदा समय में खाली 2,085 पद शामिल होंगे। कितने शामिल होंगे, 2,000 जो 85 पद खाली हैं वो भी शामिल होंगे अभी, और 3,609, इन दोनों को जोड़ करके 5,686 5,685 पोस्ट हो जाएंगे, यानी कि लेखपाल और जोगपाल जो बनना चाहते हैं उनके लिए एक भर्ती और है। प्रदेश में मौजूदा समय में राजस्व लेखपाल के कुल मूल पद 27,237 है, इसे बढ़ाकर 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद लेखपाल के 3,600 पदों पर अतिरिक्त सृजित हो जाएंगे। पुराने पदों में मौजूदा समय में खाली 10,170 पदों पर 8,085 भर्ती प्रक्रिया चल रही, इसमें से 2,085 पद खाली हैं। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के पदों का निर्धारण सालों पहले किया गया था, मौजूदा समय में इनके जिम्मे जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर कई अहम काम हैं, इसलिए उच्च स्तर पर मूल पदों को बढ़ाने की समय बनी है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में इसकी व्यवस्था की जा रही है। नियमावली में इसके साथ ही लेखपाल भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी शासनादेश के आधार पर यह अधिकार आयोग को दिया गया है, लेकिन नियमावली में राजस्व परिषद द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था है, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी ही आपका एग्जाम कराएगा। ये एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा, और बेसिक मोटो जो हमें देखना है कि इसमें क्या है कि जो इस वर्ष का पैट आप देने जा रहे हैं, जो शायद 18 सितंबर को जब भी होना है, तो पैट जो क्वालिफाई करेगा और पैट में जो बेहतरीन मार्क्स लाएगा, जैसे इस बार हुआ था, वही इस लेखपाल की मुख्य परीक्षा भर्ती में बैठ पाएंगे। यानी कि इस वर्ष के पैट के लिए भी आपको जीतोड़ मेहनत करनी होगी, और उस पैट के बाद ही आप लेखपाल में बैठ पाएंगे। और जीएस के क्वेश्चंस की रही बात, तो चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो पैट में हो, मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज ही आपके लिए पर्याप्त होगी। उतना आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत काम कर जाएगी, वो किसी एक स्पेशल एग्जाम्स के लिए नहीं है, जीएस में सब में क्वेश्चन आती है। तो अगर हम बात करें जीएस का, कोई एक सर्टेन एरिया नहीं होगा, वो किसी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं रहती है। तो जिनका भी किसी कारणवश इस बार लेखपाल में थोड़ा सा भी डाउट है, या जिन्हें भी लग रहा है, वो अपनी तैयारी को पैट की बेहतर करें, और जल्द ही 2023-22 के लास्ट और 23 में आपको एक नई लेखपाल की भर्ती देखने की संभावना बनती जा रही है, यानी कि आपको नया लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।